अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीआरएनए। टीआरएनए जो होता है ये स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इसी तरह से इस टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टीआरएनए है ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं 1 ml ऑफ NaCl। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर से टीआरएनए का, ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिर्फ टीआरएनए का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन टीआरएनए के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे फोल्डिंग की वजह से या लूप फॉर्मेशंस की वजह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। इसी की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मेन फंक्शंस टीआरएनए का क्या है, अब देखो। एट द टाइम ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सपोज ये एक सेल है, ये इसका क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है। इस डीएनए मॉलिक्यूल से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहां पे क्या बनते हैं, एमआरएनए बनते हैं। इस एमआरएनए में इंफॉर्मेशन होता है कि किस तरह के प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना है इनसाइड द सेल, और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड जो होता है प्रेजेंस होता है। अब ये एमिनो एसिड इस कोड को रीड नहीं कर सकते हैं, इस कोड को रीड कौन करते हैं, टीआरएनए। टीआरएनए जो है इस कोड को क्या करते हैं, रीड करते हैं। किस कोड को, जो प्रेजेंस होता है किसमें, एमआरएनए में। इसीलिए हम टीआरएनए को एडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल्स या एडाप्टर आरएनए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं बिटवीन द एमआरएनए एंड एमिनो एसिड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली इस तरह के तीन लूप्स प्रेजेंस होता है। और यहां पे इस तरह से एक आर्म होता है जिसको हम वेरेबल आर्म कहा जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है, इस टीआरएनए मॉलिक्यूल्स का। इस 3' एंड पे एक यूनिक इस तरह के सीक्वेंस रहते हैं जिसमें एडेनिन साइटोसिन एंड साइटोसिन रहते हैं। ठीक है, और यहां पे OH ग्रुप ओपन रहते हैं जिसके ऊपर, जिसके थ्रू बेंट हो जाता है कौन, एमाइनो एसिड। ठीक है, और इस रीजन्स को हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट किस रीजन्स में होता है, 3' एंड ऑफ द टीआरएनए मॉलिक्यूल्स। और जो 3' एंड की तरफ जो लूप होता है इसको कहते हैं टी लूप, क्या कहते हैं, टी लूप कहा जाता है। और ये लूप जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, रिकॉग्नाइज ऑफ, रिकॉग्नाइज ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करने का इस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, टी लूप का। और जो 5' एंड की तरफ जो लूप होता है इसको कहते हैं डी लूप, और ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करने का।
और इसकी जो लोअर पोर्शंस में जो लूप रहते हैं इसको कहते हैं एंटी कोडॉन। एक होता है कोडॉन, दूसरा होता है एंटी कोडॉन। ठीक है, ये क्या होता है? एंटी कोडॉन होता है। अब इसको समझो, सपोज ये हमारे पास क्या है, एमआरएनए है। इस एमआरएनए मॉलिक्यूल्स में यहां पे इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंस होता है, ये है हमारा मैसेंजर आरएनए, और यहां पे भी इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंस होता है। जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो क्या होता है? एयूजी। अब इसके एंटी कोडॉन लूप में यहां पे क्या होंगे? ए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? यू के साथ। और यू किसके साथ बनाएगा? ए के साथ, जी सी के साथ। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन कहते हैं, इसको कोडॉन कहते हैं। कोडॉन कहां पे प्रेजेंस होता है? एमआरएनए में। और एंटी कोडॉन कहां पे प्रेजेंस होता है? टीआरएनए में। देखो इस रीजन को क्या कहते हैं? एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। और ये टी लूप रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉग्नाइज ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन की असेंबली, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स होता है, उन दोनों के बीच में वो प्रॉपर जगह पे अरेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? टी लूप। इसी तरह से डी लूप जो है एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशंस। इस एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आ जाते हैं, इसके बाद लार्ज सब यूनिट आ जाते हैं, फिर ये प्रॉपर अरेंज्ड है या नहीं है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं डी लूप। और इसके बाद इस एंटी कोडॉन और कोडॉन के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शंस होते हैं। इसके हिसाब से यहां पे प्रोटीन्स का क्या होता है? एमिनो एसिड का बेंडिंग होता है। अब इसके बाद देखो, सपोज ये एमिनो एसिड जो पहले सबसे पहले जो एमिनो एसिड आता है मिथेनिन आता है, इसके बाद इसमें जो कोड्स है उसके हिसाब से यहां पे एमिनो एसिड को लाते जाता है टीआरएनए, और इसके हिसाब से वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, और अल्टीमेटली यहां पे हमें क्या बनते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं जिसको हम प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द टीआरएनए। देखो टीआरएनए क्या होता है? स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द एमआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और इसको हम क्या कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन होता है, जो कोड्स होता है, उसको रीड सिर्फ टीआरएनए कर सकता है। इसीलिए एमिनो एसिड एंड एमआरएनए के बीच में कम्युनिकेट का काम कौन करता है? टीआरएनए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं 1 ml ऑफ NaCl में, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन इसका कुछ रीजन ऐसा है, देखो इस तरह से लूप यहां पे क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड कंडीशंस होता है। इस डबल स्ट्रैंडेड कंडीशंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब टीआरएनए का जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक डी लूप होता है, टी लूप होता है, एंटी कोडन होता है, और एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है। और यहां पे क्या होता है? वेरिएबल आर्म। हमारे पास बेसिकली 22 क्या होते हैं? टीआरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है। इन सब टीआरएनए में ये जो वेरिएबल जो आर्म होता है यहां पे, ये डिफरेंट होता है। इसीलिए इस आर्म को क्या कहते हैं? वेरिएबल आर्म। और इसके अलावा एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, सबसे पहले जो ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होता है, वहां पे जो सबसे पहला जो टीआरएनए आते हैं, ठीक है, जिसके साथ बेंट हुआ होता है कौन? मिथियोनिन एमिनो एसिड। मिथिनिन एमिनो एसिड जो होता है बेंट हुआ होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स ये जो मिथिनिन होता है फॉर्मुलेटेड मिथिनिन होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में सिंपली मिथिनिन होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन जो स्टार्ट होता है, और उस स्टार्ट के टाइम पे जो टीआरएनए आता है उसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएटर टीआरएनए। और इसी तरह से एट द टाइम ऑफ जब ये पूरे इस एमआरएनए को रीड करने के बाद अल्टीमेटली वो उस रीजन पे पहुंचते हैं जहां पे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप होना है। नॉनसेंस कोडॉन होता है जिसको हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। स्टॉप कोडॉन के लिए यहाँ पे कोई टीआरएनए प्रेजेंस नहीं होता है। दैट इज ऑल अबाउट द टीआरएनए।
नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. थैंक यू वेरी मच.